नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। अगले साल देश में लोकसभा और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन खट्टर सरकार की मुश्किल है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मानो प्रदेश की जनता ने ठान लिया हो कि खट्टर सरकार को 2024 के चुनाव में आईना दिखाना है। यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरपंचों के भारी विरोध के बाद अब सरकारी कलर्कों ने खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, सही सुना आपने। बता दूं आपको, पहले ही सरपंच सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सभी विभागों के कलर्कों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी कलर्कों ने खट्टर सरकार को अपना गुस्से का ट्रेलर शनिवार को दिखा भी दिया है। दरअसल शनिवार को सरकारी कलर्क राई से बीजेपी विधायक मोहन लाल बडोली के आवास के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार से उनके वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान कलर्कों ने विधायक मोहन लाल बडोली को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। कलर्कों ने साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम लगातार सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। अगर सरकार ने उनकी वेतन में बढ़ोतरी को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया तो वो सरकार के खिलाफ पेन डाउन स्ट्राइक पर जा सकते हैं। ऐसी सीधी चेतावनी दी कलर्कों ने सरकार को। यानी कुल मिलाकर खट्टर सरकार से आम जनता परेशान है, सरपंच परेशान है, किसान परेशान है और अब सरकारी कलर्क भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में कर्मचारी और आम जनता की यह परेशानी 2024 के चुनाव में खट्टर सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।